जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। वफा है? कहाँ है वफा? अबे चलना क्यों पिटवाएगा तू? मैं कह रहा हूँ वफा है। तू मुंह पर आई औरतों को देख रहा है और मुझे भी दिखवा रहा है। वफा यहाँ कहाँ? अब्बा मैं वफा को लाखों में से पहचान सकता हूँ। बचपन से नजर है उस पर मेरी। अबे चल बेटा घर चल, लगता है चोट तेरे दिमाग तक पहुँच गई है। आ जा। अब देख तो लो। हाँ देखो, उस फ्लैट के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे और ना ही यहाँ से फिलहाल कहीं और जाओ जब तक मैं ना कहूँ। मैं कहाँ जा सकती हूँ? अब जहाँ मुझे रखेंगे वही मेरी मंजिल है। इस बच्चे के बारे में मैंने फैसला कर लिया। तुम इसे जैतून के हवाले कर दो और वो जिसे चाहे इसे गोद ले, लेकिन तुम सामने नहीं आओगे। तुम्हें कुछ कहना है जैतून? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं कहना। एक और बात, जैतून को बच्चा देते हुए तुम कोई तमाशा नहीं बना। एक माँ अपनी औलाद के लिए कोई तमाशा नहीं करती, कोई ढोंग नहीं करती। मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। हाँ, लेकिन इतना जरूर मुझे यकीन है कि तुम मेरे बारे में बुरा नहीं सोच सकती। मैं आपके बारे में सोच ही नहीं रही, अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। कहाँ जाएगा, किसके पास, कौन करेगा इसकी परवरिश? इसके बारे में अब तुम्हें सोचना छोड़ देना चाहिए अगर तुम मेरे साथ जीना चाहती हो। उसकी शॉल जब उसके चेहरे से हल्की सी हटी थी तो वो वफा ही थी। वही खूबसूरत सी आंखें, खूबसूरत सी नाक और खूबसूरत सी चाल, वो ना हो वो वफा ही थी। अरे मेरे लाल, इतने वफा के गम में पीला हो रहा है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? मुझे हाँ, पूछ। कभी तुमको देखकर मैंने पड़ोसन समझा या अब्बा को देखकर खालू समझा? कमबख्त कैसी बातें कर रहा है? तुम बताओ, समझा या नहीं समझा? नहीं, ऐसी बातें क्यों करेगा तू, क्या पागल है? वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने वफा को देखा अस्पताल से आते हुए। वो एक आया टाइप औरत के साथ थी और बच्चा भी था गोद में। मुझे लगता है वफा के गम में तू सटिया गया, दिमाग चल गया तेरा। मत तुम ना और अब्बा दोनों ऐसे ही समझ रहे हो मुझे। अरे नहीं, तू तो बहुत दिमाग वाला है। तेरी जो भी बीवी बनेगी ना, फूले नहीं समाएगी। जो भी नहीं, सिर्फ वफा बनेगी मेरी दुल्हन। सिर्फ उसका घूंघट उठाऊंगा वरना कुंवारे ही दुनिया से उठ जाऊंगा। अरे नहीं मेरा बेटा, ऐसी वैसी बातें करके अम्मा को क्यों परेशान कर रहा है? पहले वफा को आने दे, फिर तेरे अब्बा को इसके पीछे दौड़ा दूंगी। अब्बा को पीछे क्यों दौड़ाऊंगी? अरे इसकी भांजी है ना, वही काबू में करेंगे। हाँ अम्मा उसकी नखरे बहुत है, बस एक बार मेरे निकाह में आ जाए ना, जूस की तरह डब्बे में पैक करके रखूंगा। हाशिर भाई बताइए ना,
ऐसी क्या बात थी जो आप मुझसे यहाँ पर करना चाहते थे और घर पर नहीं कर सकते थे? मैं वफा से मिला था। अच्छा, कैसी है वो? उन्होंने उसने एक बेटे को जन्म दिया है। बेटे को जन्म दिया है? तो मुश्किल ये है कि वो उसे पाल नहीं सकती। ओ, तो उनका गुनाह है ना? ऐसी बात नहीं है माँ, बस उसका शौहर नहीं चाहता कि वो उस बच्चे की परवरिश करे। शौहर नहीं चाहता? ये क्या बकवास है? ये क्या करती फिर रही है वफा बाजी? वफा ने मुझसे वादा लिया है कि उसके बच्चे को गोद ले लूं और उसकी परवरिश करूं। आशी भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो पागल हो गई है। क्या उन्हें आपके बारे में नहीं मालूम? उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं, और शायद वो ये बात भी अपने शौहर से छुपाए रखना चाहती है कि वो अपना बच्चा मेरे हवाले करेगी। नहीं नहीं आशी भाई, वफा बाजी तो पागल हो गई है। आप क्यों किसी का बोझ उठाते फिरे? मुश्किल तो यही है महान कि ये बोझ किसी गैर का नहीं है, वफा का है, और वफा का बोझ तो उठाना पड़ता है। हाशिर भाई, दुनिया आपसे सवाल करेगी, लोग पूछेंगे किसका बच्चा है, क्यों पाल रहे, तो क्या जवाब देंगे? और कल अगर बच्चे का बाप उसे वापस लेने आ गया तो? वफा के शौहर को तो ये पता ही नहीं होगा कि उसका बच्चा किसके पास है। किन मुश्किलात में डाल दिया उन्होंने इन सबको। क्या वो मम्मी से भी मिलने नहीं आ सकती? पता नहीं मां, पता नहीं वो बेचारी किस हद तक मजबूर है, बेबस है। बेगम साहब कहाँ हैं? वो सो रही है। क्या सोचा है तुमने, बच्चा किसके हवाले करना है? वो साहब जी, मेरा भाई रहता है गांव में, बरकत नाम है उसका, 5 साल हो गए उसकी शादी को, लेकिन औलाद नहीं हुई। मैं उसे दूंगी बच्चा। एक बात का ध्यान रखना, किसी को मालूम ना हो कि ये बच्चा किसका है। अगर किसी गेल में आया कि ये बच्चा मेरा है तो आइंदा मुझसे फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। नहीं साहब, मेरा भाई ऐसा नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा कि बच्चा किसका है। बेगम साहबा ने बच्चे के बारे में कुछ कहा तुमने? कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन जब उन्हें याद आता है ना कि बच्चा उनसे दूर हो जाएगा तो रोने लगती हैं। पागल है, समझ नहीं पा रही कि इस बच्चे के बाद मैं उसे कितनी खुशियां देने वाला हूं। आप ठीक कहते हैं साहब जी, लेकिन माँ के लिए औलाद से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं।
वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, क्या हो रहा है बहन? कुछ नहीं निसार भाई, बस बेटियों की शादी के कपड़े देखती रहती हूँ। अरे बहन, मैंने भी अपनी बहू के लिए तरंग भर के जोड़े बनाए। ना सिर्फ जोड़े बल्कि ज्वेलरी सेट भी, जिसमें हार बुंदे और चूड़ियाँ, 12 सीधे हाथ की 12 उल्टे हाथ की। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आने वाली के नसीब अच्छे करे और उसके आने से आपके घर में बरकत हो। आमीन आमीन। बरकत वाली तो तुम्हारी दोनों बेटियां हैं, वरना भाई मियां की इतनी जायदाद होती? किसने कह दिया मुमानी? बाबा की जितनी भी जायदाद थी वो सब वफाबाजी ने कर्ज में दे दी है। अरे बेटा, कौन सा हम तुम्हारी जायदाद से हिस्सा मांग रहे हैं? नहीं है तो तुम्हारा नसीब, अगर है भी तो तुम्हारा नसीब। शायदा का मतलब है कि तुम दोनों बहनें हो इतने नसीब वालियां, जिस घर में भी जाओगी माला माल कर दोगी इंशाल्लाह। बस निसार भाई, मुझे तो वफा और माहम की फिक्र लगी रहती है। अरे बहन, वफा की फिक्र करना छोड़ दे, इसीलिए तो पहले से सफदर के लिए मांग लिया था। दोनों के नसीब मिलते जुलते। वो किस तरह? भाई देखो ना, मेरे सफदर का कारोबार ऊपर चला जा रहा है और ये अपनी वफा पूरी दुनिया में घूमती रहती है। मुमानी, वफा बाजी तो इस रिश्ते से इनकार कर चुकी है ना, आप अब सफदर भाई का कुछ और बंदोबस्त कर लें। अरे नहीं बेटी, घर की दौलत ऐरों गैरों में चली जाएगी। मैं उसका और तुम्हारा मामू हूँ, ना अपनी दौलत जाने दूंगा ना तुम्हारी। मैं जानता हूं कि तुम मजबूर हो, मशरकी रिवायात की पाबंद हो, लेकिन जुल्म सहना तो कोई अच्छी रिवायत नहीं। उस दानियाल ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम्हारा सारा घर उजाड़ दिया, ना तुम्हें बीवी का मकाम दिया और ना ही माँ होने के दर्जे पर रहने दिया। तुम्हारी गोद से तुम्हारी औलाद को छीन लिया और तुम फिर भी उस कैद खाने में रहना चाहती हो। समझ में नहीं आ रहा कि दानियाल ने बच्चे को कबूल कैसे कर लिया, वरना वफा अब तक बच्चे को मेरे हवाले कर चुकी होती। वफा से मिलना बहुत जरूरी है, जायदाद के मसले, महम की शादी, वफा के बगैर ये सब कैसे मुमकिन है? ये वही ड्राफ्ट है ना जो डिस्कस किया था? जी जी। ओके, लो बेटा। वकील साहब, और तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं वजह साहब, एवरीथिंग इज ऑल राइट। आपकी जायदाद आपकी साहबजादी के नाम मुंतकल हो गई है। खुदा का शुक्र है कि ये जिम्मेदारी मैंने अपनी जिंदगी में पूरी कर दी। वरासत के मामले में अगर औलाद का हक जिंदगी में अदा न किया जाए तो बाद में बहुत मसाइल हो जाते हैं। वजह फरमाया वजह साहब, लेकिन एक सवाल जहन में मेरे खटक रहा है, इजाजत हो तो करूं? पूछे। एक नोट लिखवाया आपने कि सारा बीवी अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड को अपनी जायदाद में शरीक कर सकती है, ये क्यों लिखवाया आपने? वकील साहब, मुझे अपनी बेटी के फैसलों पर पूरा भरोसा है। शादी के बाद अज़दवाजी जिंदगी में दो मसाइल पैदा होते हैं, एक पैसे का न होना, दूसरा बाहमी एतमाद की कमी।
ये तो ठीक कहा आपने। जहां तक एतमाद का ताल्लुक है वो तो हमें मुकम्मल है, इसलिए मैंने पैसे को महदूद नहीं किया। जैसा आपने सोचा है वजाज साहब, ऐसी बारीकी से लोग ऐसे मामलों को क्यों नहीं देखते? ऐसी बात नहीं है, लोग सोच समझ कर ही फैसला करते हैं, लेकिन जायदाद के मामलों में लालच दाखिल हो जाती है। मैंने तो बाबा से कहा है कि मुझे इस प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये माने ही नहीं। नहीं सर अभी, ये आपका हक था। अच्छा वजह सर, मुझे इजाजत है, कोई भी बात हो मुझे इत्तला कर दीजिएगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन जरा जल्दी करा दीजिएगा। जी जी बिल्कुल, ये तो मेरा फर्ज है। इजाजत है। थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। लाभ लाभ। जी बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। मुझे सबकी कुछ जरूरत नहीं बाबा। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुखी रखे। अम्मी कितना अच्छा होता ना वफा बाजी भी मेरी शादी में मौजूद होती। चार तारीख में कितना कम टाइम रह गया और इतने सारे काम बाकी हैं, मुझे तो लगता है हमें डेट आगे करनी पड़ जाएगी। ऐसा कीजिएगा कि मेरी शादी के बाद आप भी मेरे पास ही आ जाइएगा। बोले जा रही हूँ कब से, इतनी आप काम में मगन है ना कि मुझे जवाब भी नहीं दे रही। आप खामोश क्यों बैठी हैं? अम्मी क्या हुआ? अम्मी हाथ क्यों इतने ठंडे हो रहे हैं? आपको बुखार तो नहीं? अम्मी हेलो। हाँ शिव भाई, अम्मी मुझे कुछ बात नहीं कर रही, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, आप प्लीज जल्दी आ जाएं। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ठीक है अम्मी। अम्मी आशे भाई कैसी है? मां मेरी बहन, तुम्हारी अम्मी चली गई। क्या कह रहे हैं आप? अम्मी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। Oh, my God.
ठीक है। हेलो, एक बुरी खबर है आपकी बीवी वफा के लिए। कौन बात कर रहा है? इतला ये है कि वफा की वालदा का इंतकाल हो गया। अभी उम्मीद है कि आप उसे इतला कर देंगे। आप कौन है, नाम बताइए। नाम बताने से खबर बदल नहीं जाएगी। तस्फीन के लिए वफा का इंतज़ार। हेलो हेलो, बड़ी बेटी अभी तक नहीं पहुंची, हमें कुछ इंतजार कर लेनी चाहिए। इत्तला तो शायद उसे किसी ने कर दिया है। किसी ने इत्तला किया है वफा को? जी, इत्तला कर दी ऑफिस में, वो रापता करके बता देंगे। सोना थी मेरी बहन और हीरा था मेरा बहनोई। बहुत कमाया उसने बच्चों के लिए। बहुत बड़ी जायदाद छोड़ कर गया है, लेकिन क्या फायदा, बहन तो मेरी चली गई ना। वफा नहीं आई अभी तक? पता नहीं इसको खबर पहुंची है या नहीं। मेरे ख्याल में अब मैयत उठा लेनी चाहिए। वफा ने बहुत देर कर दी, अब कोई इत्तला भी नहीं है। ठीक है, चलो चलो। Kalmay shahadat, 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 kalmay shahadat
को क्यों नहीं बता पा रहा हूं कि उसकी मां का इंतकाल हो गया। क्या मुझे डर है कि वफा जाएगी तो लौट कर नहीं आएगी। वफा, मैंने तुमसे बात करनी है। ठीक है। जब मैंने कहा था कि बच्चे को जैतून के हवाले कर देना तो क्यों नहीं किया? क्या आप अपना फैसला बदल नहीं सकते? अगर मुमकिन होता तो शायद मैं सोच लेता। छोटा सा बच्चा है, हमारा बच्चा है, आपकी जिंदगी पे इतना बड़ा बोझ है क्या? हाँ, बहुत बड़ा बोझ है। अगर तुम अपनी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ यही रास्ता है। आपके साथ तो जीना चाहती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के बगैर जीने का सोचकर भी लरज रही। मैंने जो कहना था कह दिया। मैं आज सोच रही थी कि अम्मी ने मेरे बगैर इतने दिन कैसे गुजारे होंगे। मुझे अपने बच्चे के बिछड़ने का सोचकर भी खौफ आ रहा। बहुत देर हो चुकी है, अब तो वो लोग तदफीन भी कर चुके होंगे। रानिया, मुझे अम्मी से एक बार मिलवाने, आपका मुझ पर एहसान होगा। वफा के खो जाने के डर से मैं नहीं बता रहा हूँ, मगर कल जब वफा को पता चलेगा कि मैंने उसकी माँ की मौत की खबर उससे छुपाई तो वो शायद मुझसे नफरत करने लगेगी। जवाब दीजिए प्लीज, आप मिलवाएंगे ना अम्मी से? वफा, तुम्हारी अम्मी इंतकाल कर गई। बेटा, मैं घर में बहू और पोते को अकेला छोड़कर आई हूँ, वरना तो मैं रुक जाती, इसलिए मुझे जाना ही होगा। हम अपने घर से सामान ले आए। हाँ बेटा, अब हमने फैसला किया कि हम यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? बेटा घबराना नहीं, हम एक आध घंटे में आ रहे हैं। सफदर को भी तो समझाना है, कभी अकेला नहीं रहा हमारे बगैर।
से क्या हासिल है? मम्मी तो मर गई आपका इंतजार करते करते, लेकिन आपको तो वक्त ही नहीं मिला कि अपनी माँ का हाल पूछती। मैं अपनी मां को भी क्या बताऊं? मत बताएं मुझे कुछ भी। कैसी बेटी है आप? माँ के जनाजे पर तक नहीं आई? मैं आना चाहती थी माँ, मुझे पता नहीं था, मुझे अभी अभी पता चला है। मैं फौरन चली आई, मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? अम्मी को दफना दिया, मैं अम्मी को एक आखिरी बार देख तो लेती। फोन किया था हाशिर भाई ने आपके ऑफिस, जहाँ पता नहीं अब क्या काम करती है। मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने, प्लीज मेरा यकीन करो। झूठ ही झूठ हो गई है वफाबाजी आपकी जिंदगी, और मुझे आपका बिल्कुल भी कोई एतबार नहीं। ऐसा मत कहो माँ, मैं भी बहुत तड़पी हूँ, मेरा सीना भी बहुत चिल्ली है। वफाबाजी, हमने अपनी रसवाई से बहुत बचने की कोशिश की, जो हमें आपके ना आने की वजह से झेलनी पड़ी। रिश्तेदारों से, मिलने जुलने वालों से झूठ बोल बोलकर परेशान हो गए, लेकिन आप तो अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ थी, पलट कर भी नहीं देखा अपनी माँ और बहन की तरफ। ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ तुम्हारे और मम्मी के सुख के लिए किया। बहुत सुख दे चुकी हैं आप हमें, प्लीज अब और सुख नहीं चाहिए। हम तो पल पल तड़पती रही आपको एक नजर देखने के लिए, लेकिन हैरत है आपको एक दफा भी इनका ख्याल तक नहीं आया। हाँ, मैं बहुत मजबूरी हूँ, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, और ना आपसे कभी मिलूंगी। आप भी मुझसे मत मिलिएगा, हमारे दरमियान का रिश्ता खत्म, सारे रिश्ते खत्म हो गए अम्मी के जाने के बाद। चली जाए अपनी दुनिया में वापस। हाँ प्लीज, ऐसा मत कहो। मैं तो सिर्फ इस उम्मीद से जिंदा थी कि मेरी माँ और बहन मेरी मुंतजर है। प्लीज, माँ मर चुकी है, बहन के मर जाने के बाद आंसू बहाने के लिए आ जाएगा। चली जाए यहाँ से। माँ प्लीज मत कहो। चली जाए, मैंने कहा चली जाए यहाँ से। मंजिल है अपनी, वो दिल से जुदा तो नहीं है।